हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक, स्टीम मोदक, जिसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ का नारियल लिया है और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उसे एक पैन में डालते हैं और उसके साथ ही इसमें डालते हैं 1/2 कप चीनी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से चलाते हुए 5 से 10 मिनट से लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। हमारा नारियल अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डालते हैं इलायची पाउडर। मैंने 4 इलायची को कूट कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को करते हैं ऑफ़। तो लीजिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसे एक थाली में डालकर फैला लेते हैं। स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है, अब इसे कुछ सेकंड के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और चलिए डो तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने एक पैन में 2 कप पानी लिया और उसमें डाला 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब उसमें डालते हैं 2 कप चावल का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया, अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे एक थाली में डालकर ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने हाथों से अच्छी तरह आटे की तरह गूंथना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ी बहुत गर्म पानी रखें, अगर ज़रूरत हो तो डालें, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। तो लीजिए, डो हमारा तैयार हो गया है। सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल या घी लगाकर मिक्स कर लें और एक नींबू के आकार का लोई लेकर उसे बीच में दबाते हुए अंगूठी से घुमाते हुए बीच में गड्ढा टाइप का बना लेते हैं और उसमें 1 चम्मच भर कर स्टफिंग डालते हैं और सबको अच्छे से दबाते हुए साइड के किनारों को दोनों अंगुलियों की सहायता से मोड़ते हुए एक शेप तैयार करते हैं और इन सबको अच्छे से अपने अंगूठे से दबाते हुए मोदक का आकार दे देते हैं। तो लीजिए, मोदक मेरा तैयार हो गया और दूसरा भी ऐसे ही बना लेते हैं। फिर से अपने हाथों में ऑयल लगाते हैं और एक बॉल के आकार का लेते हैं, बीच में गड्ढा करते हैं, अंगूठे की सहायता से टोकरी का आकार बनाते हैं, 1 चम्मच स्टफिंग डालते हैं और दोनों अंगुलियों की सहायता से मोड़ते हुए एक मोदक का आकार देते हैं। इन सबको अंगूठे से मोड़ते हुए समेट देते हैं। तो लीजिए, बन गया मोदक मेरा। इन सबको ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए। अब चलते हैं स्टीम करने के लिए, जिसे पानी मैंने पहले ही बिठा दिया गर्म होने के लिए। अब एक छेद वाली थाली लेते हैं और उसमें थोड़ी सी तेल लगाकर ग्रीस कर देते हैं और अपने मोदक को थोड़ी अलग अलग दूर दूर पर रख के स्टीम कर लेते हैं। सारे हमने डाल दिए। अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेते हैं। तो लीजिए, 15 मिनट हो गए, तैयार है हमारे मोदक। इन्हें ठंडा कर बाहर निकाल लें। सारे मोदक को हमने निकाल लिया और चलिए इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे हमने निकाल लिए। लीजिए, मैंने प्लेटिंग कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।